हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं सुजय और आज के इस वीडियो में थोड़ा हम लोग हटकर जानने वाले हैं सोशल मीडिया पर आजकल एक टैगलाइन बहुत ही वायरल हो रहा है जो कि है जेसीबी की खुदाई। तो आखिरी करिए जेसीबी की खुदाई क्या है, इतना वायरल क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या राज है, इसके बारे में फुल डिटेल्स जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले आपको बता दें कि अब तक भी हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और बगल में जो घंटी है उसे भी दबाएं ताकि आपको हमारे रेगुलर अपडेट मिलती है। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिरकार ये जेसीबी की खुदाई है क्या। आजकल जिधर भी देखो सोशल मीडिया के किसी भी वेबसाइट जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक के साथ साथ यूट्यूब पर भी ये पूरे वायरल है। तो बात करें जेसीबी की खुदाई की, तो भारत में इतनी बेरोजगारी हो गई है कि कहीं भी अगर जेसीबी की खुदाई चल रही हो तो वहाँ 10 लोग बैठकर अपना काम छोड़ कर के आराम से जेसीबी की खुदाई देखने लगते हैं। अरे यार, वो तो अपना काम कर रहा है, उसका ड्राइवर, उसका वर्कर उसमें पैसे लगा के वो अपना कमा रहे हैं, आप बेफालतू में बैठकर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो चलिए आखिर इस जेसीबी की खुदाई के पीछे क्या राज है, क्या ट्रेंड है और ये रातों रात टैगलाइन कैसे हिट हुई, किसने हिट किया या सबसे पहले किसने ये टैगलाइन बनाई जो कि रातों रात हिट हो गई। उसके पहले हम आपको सोशल मीडिया पर जो आजकल जो वायरल हो रहे हैं इसके कुछ रिलेटेड कमेंट्स और जो पोस्ट वायरल हो रहे हैं, कुछ फ़ोटोज़ वगैरह हमने लिया है सोशल मीडिया पर जो कि जेसीबी की खुदाई से है रिलेटेड है, उसे हम थोड़ा पढ़ करके दिखा देते हैं। आपको सुनने में बहुत फनी लगेगा और ये फनी टाइप का है भी। यहाँ पर अभी आप देख पा रहे हैं कुछ इंडियंस खिलाड़ी हैं, इसमें विराट कोहली भी है और सारे खिलाड़ी हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है। तो इनको एम्पायर बताते हैं कि वहाँ जेसीबी की खुदाई चल रही है, तो ये लोग जल्द से दौड़कर भागते हैं जेसीबी की खुदाई देखने। अगला जो हमारे पास एक कमी इमेज है उसमें बताया गया है कि जा सिमरन देख ले जेसीबी की खुदाई। जी हाँ, एक बहुत ही फेमस डायलॉग था जिसमें अमरीश पुरी सिमरन को बोले कि जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, उस पर एक कमेंट बनाया गया है फिल्म इंडस्ट्री पर भी कि जा सिमरन देख ले जेसीबी की खुदाई। तो सिमरन बोल रही है कि राज मैं भी खुदाई देखने जाऊंगी और ये ट्रेन की ओर दौड़ रही है। अगला जो हमारे पास कॉमी इमेज है उसमें कुछ इंडियंस खिलाड़ी हैं जो कि मुंबई आईपीएल के खिलाड़ी, सॉरी चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी दिख रहे हैं आईपीएल के, वो लोग जेसीबी की खुदाई देखने जा रहे हैं और इस बात को लेकर के बहुत उत्सुक है और खुशी है। अगला जो हमारे पास है वो महात्मा गांधी पर भी एक कौमी बन गई है, कमेंट बन चुकी है कि काश मेरे ज़माने में जेसीबी की खुदाई होती तो मैं भी देखता है, महात्मा गांधी जी बोल रहे हैं, इस प्रकार के कमेंट बनी हुई है। अगला जो कमेंट इसमें है या जो कौमी बनी हुई इमेज में उसमें बताया जा रहा है कि एक लड़की है जो जिसके पास बी एम डब्ल्यू गाड़ी है उसके हस्बैंड के पास, फिर भी वो दुखी है, लेकिन वो जान सुनती है कि नहीं आपके हस्बैंड के पास जेसीबी ड्राइवर है तो वो खुश हो जाती है। यार, हद की बात ही, आपके पास बीएमडब्ल्यू है तो आप दुखी हैं और आपके पास जेसीबी ड्राइवर आपके हस्बैंड है तो आप खुशी हो जाती है। अगला है जो शोले फिल्म से लिया गया है, इसमें शोले फिल्म के गब्बर देख रहे हैं, वीरू देख रहे हैं और सारे जो एक्टर यहाँ पर देख रहे हैं वो लोग भी जेसीबी की खुदाई को लेकर के बहुत खुशी नज़र आ रहे हैं और ये लोग भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं जेसीबी की खुदाई में। अगला जो फिल्म इंडस्ट्री से लिया गया है जो शायद ये अक्षय कुमार जी हैं और ये जेसीबी के ड्राइवर के रूप में हैं और यहाँ जो कुछ गार्ड्स हैं और कुछ जो सैनिक हैं उन्हें बेरोजगार लौंडे बताया जा रहा है, तो कुछ इस प्रकार के कॉइन बने हुए हैं। अगला जो इसमें इमेज है उसमें बताया जा रहा है कि एक जेसीबी है वो बोल रहा है कि मैं तुम्हें कैसी लग रही हूँ, तो एक जेसीबी टाइप का एक कंटेनर शायद है, वो बोल रहा है कि तुम जेसीबी हो इसलिए अच्छी लग रही हो, काश मैं भी जेसीबी होता, तो इस टाइप के कमेंट है। अगला जो इमेज है इससे रिलेटेड उसमें बोला जा रहा है कि रोड रोलर ने कहा उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है, यानी कि रोड रोलर भी अब मांग कर रहे हैं कि हमें भी रोड रोलर की जो रोड छापने वाली है वो हमें देखना, उसका भी टैगलाइन बनना चाहिए। अगला है जो कि बहुत ही व्यापक है, एक बंदा है जो भूकंप आया तो वो सोया था, तूफान आया फिर भी सोया का सोया रह गया, सुनामी आया फिर भी वह सोया ही रह गया, लेकिन जब सुना कि जेसीबी आ गई है और जेसीबी की खुदाई होने वाली है तो उसकी नींद खुल गई और वो जेसीबी की ओर भागा।
अगला जो है इससे रिलेटेड है, मेरा दिल टूट गया था जब जबकि उसने बेवफाई, अब तो झोला उठाकर चल देता हूँ देखने जैसे भी की खुदाई। ये कुछ शेर है जो मिर्जा गालिब के ऊपर पोता ने बनाए, वीटू शर्मा कॉमेडी। अगला है जो ये देख पा रहे हैं कि स्त्री है बहुत विलख कर रो रही है कि हमें भी जेसीबी की खुदाई देखनी है, अरे भाई कोई इसे यहाँ से निकालो और इसे भी जेसीबी की खुदाई दिखाओ। अगला है ये तैमूर है, इन्होंने जेसीबी मशीन खरीदी है और ये जेसीबी चला रहे हैं। अगला एक जेसीबी है जिस पर एक पति पत्नी की जोड़े बैठी हुई है और इसको भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल किया जा रहा है। तो ये लोग जेसीबी से चढ़ करके शादी कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि ये लोग सिविल इंजीनियर हैं। अगला जो यहाँ इससे कुछ कमी बने हैं वो बताया जा रहा है कि हाँ यहाँ खुदा है, वहाँ खुदा है, सब जगह खुदा ही खुदा है, यहाँ खुदा है, यहाँ खुदा नहीं वहाँ कल खुदेगा, माफ़ कीजिएगा फिर से पढ़ते हैं, यहाँ खुदा है वहाँ खुदा है, सब जगह खुदा खुदा ही है, जहाँ नहीं खुदा है वहाँ कल खुदेगा। जेसीबी मशीन बोल रही है और आपको भी आमंत्रित कर रही है कि आप जरूर आइएगा जेसीबी की खुदाई देखने। यही वो शख्स है जिसे आप शायद पहचान चुके होंगे जिन्होंने इस जेसीबी की खुदाई हैशटैग को वायरल किया है, टैगलाइन जो है जेसीबी की खुदाई। अगर आप यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर कहीं भी अगर सर्च करते हैं तो आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे पोस्ट आ जाएंगे। तो यही वो महारानी हैं सनी लियोनी, माफ़ कीजिएगा सनी लियोनी नहीं सनी लियोन, जिन्होंने इस पोस्ट को बखूबी से वायरल किया है। इन्होंने पिछले दिन एक अपने फेसबुक पर इस फोटोज़ को डाली और उसमें अपने टाइम पास के बारे में लिखते हुए बताई कि जेसीबी की खुदाई और हैशटैग लगाई जेसीबी की खुदाई, जो कि रातों रात वायरल हो गया और आज पूरे इंडिया में लगभग छा चुका है जेसीबी की खुदाई, सब लोग लगे हुए हैं। तो यही थी कुछ जेसीबी की खुदाई से रिलेटेड कुछ रोचक तथ्य जिसे पिछले दिन सनी लियोनी ने वायरल की थी, अपने फेसबुक पेज पर ये टैगलाइन डाली थी। कोशिश करेंगे कि हम आपको वीडियो सॉरी वो फोटोज़ को शायद हमने स्क्रीनशॉट लिया है तो दिखा दें आपको कि आखिर कहाँ, जी हाँ यही वो है जेसीबी की खुदाई, यही वो पोस्ट है सनी लियोन का जिन्होंने इस फोटोज़ के साथ जेसीबी पर चढ़ करके और यह पोस्ट अपलोड की थी 28 मई को 10:40 पर, जिनमें उन्होंने लिखा है करियर चेंज लोल। तो यही वो पोस्ट था जिस रातों रात ये जेसीबी की खुदाई हैशटैग वायरल हो गया। आप देख सकते हैं हैशटैग में लिखा हुआ है सनी लियोन जेसीबी हैशटैग जेसीबी की खुदाई जेसीबी की खुदाई। तो इस तरह ये वायरल हुआ रातों रात और आज पूरे इंडिया के साथ साथ पूरे विश्व में ट्विटर फेसबुक पर छा गया है। तो कुछ जेसीबी की खुदाई के पीछे यही राज था। आपको क्या लगता है कि इसमें बेकार में वेस्ट करना चाहिए लोगों को टाइम? सोशल मीडिया पर जियो ने फ्री दे रखा है, लोग फ्री का कोई फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं और बेकार के टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों आई होप यह जेसीबी की खुदाई के बारे में आपको जानकारी मिली होगी, मिली है, और यह जानकारी अगर आपको सच लगती है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, उनको बताइए कि जेसीबी की खुदाई चल रही है, आइए जेसीबी की खुदाई देखिए अगर आपके पास टाइम है तो, अगर टाइम नहीं है तो अपना पढ़ाई लिखाई और कामों में टाइम वेस्ट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, कहेंगे आपको जाते जाते कि आप भी जेसीबी की खुदाई के चक्कर में न पड़े, अपना काम करें और अपने काम में लगे रहें जो भी आपकी काम है। तो मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और हम इधर जेसीबी को अब बंद कराने की कोशिश करते हैं, अगला रोड रोलर पर टैगलाइन लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर।